शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मस्तिष्क विकार उपचार विभाग के डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान मरीज को जगाए रखकर उसके मस्तिष्क से ट्यूमर यानी गांठ को निकालने में सफलता हासिल की है। इससे दो ट्यूमर मरीजों को बचा लिया गया है और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। दो मरीजों में मिथिलेश गौतम और रेखा झांझल को जागते रखते हुए ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की गई। नागपुर के मिथिलेश और मध्य प्रदेश की रेखा सिरदर्द से पीड़ित थी। परिजन उसे जांच के लिए निजी अस्पताल ले गए। निजी अस्पताल में इलाज महंगा होने पर आखिरकार उन्हें सुपर स्पेशलिटी में लाया गया। ब्रेन ट्यूमर के कारण दोनों मरीज ठीक से बोल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने बताया कि दोनों मरीजों को ब्रेन ट्यूमर है। यह एक खतरनाक ऑपरेशन था। अगर चोट लग जाती तो दोनों की बोलने की क्षमता खत्म हो जाती। केवल सर्जरी के लिए आवश्यक क्षेत्र को सुन्न किया गया और इन रोगियों की सर्जरी की गई। इसे मेडिकल भाषा में अवेक क्रेनियोटॉमी कहा जाता है। ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज घबरा जाते हैं। बोलना या पढ़ना ट्यूमर के साथ से नियंत्रित होता है, इसीलिए डॉक्टर द्वारा मरीजों को बेहोश किए बिना जागृत अवस्था में यह ऑपरेशन से पहले मरीजों की काउंसलिंग की गई, ताकि ऑपरेशन के दौरान मरीज डरे नहीं। सर्जरी के समय मरीजों को पूरी तरह से बेहोश नहीं किया गया था, केवल सिर की नसों को सुन्न किया गया था ताकि मरीज को दर्द महसूस ना हो। डॉक्टर ने सलाइन के माध्यम से दर्द की दवा देना जारी रखा। ट्यूमर को हटाने के दौरान रोगी बात करना शुरू कर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्यूमर हटा दिया गया है और बोलने की क्षमता, जो रोगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संरक्षित है, जिससे दोनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए और सुरक्षित घर जा सके है। उनका ट्यूमर खत्म हो गया है और वह अच्छे से पढ़ और बोल सकते है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रमोद गिरी के नेतृत्व में किया गया है यह ऑपरेशन। संजोग गजबीय एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत कलबगवार, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर शिल्पा जायसवाल, डॉक्टर पंकज भोपले, डॉक्टर मंगेश मुलावकर, डॉक्टर कमलेश रंगारी, डॉक्टर पीयूष ठोमरे की मेडिकल टीम ने ब्रेन ट्यूमर अवेक क्रेनियोटॉमी सर्जरी सफलतापूर्वक की है। यह मेरे साले साहब है, मिथिलेश गौतम, इनकी उम्र है 26 वर्ष। इन्हें पहले झटके की शिकायत थी तो मैंने इन्हें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नागपुर न्यूरोसर्जरी विभाग में लाया, भर्ती कराया। तो वहाँ संजोग सर और उनकी टीम ने मिलकर ऑपरेशन किया और पूरे होश में ऑपरेशन हुआ और मरीज को कोई तकलीफ नहीं हुई। और संजोग सर और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन लोगों को भी तकलीफ है इस बीमारी की, वह यहाँ आकर अपना इलाज करवाएं और कोई संकोच ना करें। धन्यवाद सर। सगळ्यात आधी तर हे जे ब्रेन ट्यूमरचं ऑपरेशन म्हटलं की पेशंट असाच घाबरतो, आणि ब्रेन ट्यूमरच्या ऑपरेशनमध्ये पेशंटला शुद्धीत ठेवून ते ऑपरेशन करणं, ते ट्यूमर पूर्णपणे काढणं आणि पेशंट चांगलं होऊन घरी जाणं, हे खरं म्हटलं तर एक मोठी अचीवमेंट आहे। आणि मेनली हे एक गरीब पेशंट्सना आपण जी ही ट्रीटमेंट करता आली आहे त्याच्यामध्ये अजून एक सॅटिस्फॅक्शन आहे। हे जे ट्यूमर्स, हे दोन पेशंट जे आम्ही ऑपरेट केलेले आहेत, हे दोन्ही, एक तर एक 20-22 वर्षाचा एक पेशंट होता आणि एक 30-31 वर्षाची एक महिला होती। यंग पेशंट्स होते, चांगले बोलू शकत होते, फक्त जेव्हा त्यांना त्रास होत होता बोलता, डोकं दुखायचं आणि झटका येताना आल्यानंतर त्यांना बोलणं थांबून जायचं, हा जेव्हा आम्ही MRI वगैरे त्यांचा केला तेव्हा त्याच्यामध्ये ब्रेन ट्यूमर आम्हाला जाणवलं। आणि तो ट्यूमर अशा भागावरती होता जिथे पेशंटच्या बोलण्याच्या नसा असतात, मेंदूच्या लेफ्ट साईडला तो ट्यूमर होता। हे पेशंट जे होते त्यांना आम्ही असेस केल्यानंतर, काउन्सिल केल्यानंतर आमच्या न्यूरोएनेस्थेसिया टीमच्या सोबत एक त्यांचा एक आयडेंटिफाईंग क्रायटेरिया असतो, त्या क्रायटेरियामध्ये ते बसत होते बरोबर। मग त्यांची काउन्सिलिंग केल्यानंतर आम्ही आमचे जे HOD सर आहेत डॉक्टर गिरी सर, त्यांच्या लिडरशिपच्या अंडर हे पेशंट्सना आम्ही अवेक क्रेनियोटॉमी ही प्रोसिजर प्लॅन केली। अवेक क्रेनियोटॉमीमध्ये आपण पेशंटना पूर्णपणे शुद्धीत ठेवतो, फक्त ऑपरेशनची जागा बधीर करण्यात येते। आणि ऑपरेशन जेव्हा आपण ट्यूमरपर्यंत पोहोचतो तेव्हा आपण पेशंट्सना सांगतो की कुठलं त्यांचं नाव सांगावं, गाणं म्हणावं, काही बोलावं, किंवा त्यांच्यात काही कला अशी असेल तर ते काही काही पेशंट वाद्य वाजवतात, ही सगळ्या गोष्टी करू शकतो आपण।
हे करताना आपल्याला जाणवतं आणि ऑपरेटिंग सर्जनला एक्झॅक्टली कळतं की ट्यूमर काढताना पेशंटच्या बोलण्याच्या ताकदीला काही इजा होत नाही आहे. आणि फॉर्च्युनेटली ह्या दोन्ही पेशंट्समध्ये आम्ही पूर्ण ट्यूमर काढू शकलो. ह्या दोन्ही पेशंट्सना आम्ही पूर्ण शुद्धीत ठेवून त्यांचं ऑपरेशन केलं, तर त्यासाठी एक वेगळ्या लेवलचं सॅटिस्फॅक्शन आहे. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर.